नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में जो मैकेनिक सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट कोड 106-106 उसका यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। तो उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क यानी कार्य। तो वर्क का जो एक जनरल मीनिंग है या जनरल परिभाषा या डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क इज द एक्टिविटी इन विच सम एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यानी वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है, क्रिया है, कार्य है जिसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे चलना, दौड़ना, कोई चीज उठाना, ये सारी एक्टिविटीज इसमें जो होता है कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है, कंज्यूम होती है। अब क्योंकि हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा वर्क से जो मीनिंग है वो है मैकेनिकल वर्क यानी यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिक्स की डेफिनेशन में वर्क को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। यानी फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए जिस पर कोई लोड या फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने की वजह से उसमें कुछ मूवमेंट आता है, तो ये माना कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इसको इसकी मूवमेंट को डिसाइड करता है, इसकी मूवमेंट तय करता है। और कुछ टाइम बाद ये मूवमेंट हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो विस्थापन हुआ, जो चेंज पोजीशन हुआ वो एक्स डिस्टेंस के साथ हुआ। यानी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है एक्स, यानी जो काम यहाँ पर या जो वर्क यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, इस तरीके से हुआ कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस से के साथ इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को, इस कंपोनेंट को एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ मूवमेंट दिया। तो इसने जो काम किया वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी तक लेकर के आना, ये कार्य, ये काम इसने किया है। तो यहाँ जो डेफिनेशन हमने दी है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ फोर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट दोनों का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो स्टेटमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। अगर डायरेक्शन अलोंग, जैसे इस केस में फोर्स की डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स राइट साइड और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क बराबर एफ, वर्क बराबर एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हुआ है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की तरफ फोर्स का कंपोनेंट या फिर फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये हम आगे देखेंगे कैसा होता है। फिलहाल ये जो वर्क मैकेनिकल या यांत्रिक वर्क हमने यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिखा है एफ इंटू एक्स, इसकी जो यूनिट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम जूल नाम दे देते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात यह है, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स जो कॉम्पोनेंट पर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे इस ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाया हुआ ये कंपोनेंट है, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बनाते हुए है, और इस फोर्स की वजह से अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर हमें, जैसा कि पहली जो डेफिनेशन थी
along the direction of force, यानी displacement का वो component लेना पड़ेगा जो कि displacement का वो component लेना पड़ेगा जो कि force की direction में है, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, force का वो component लेना पड़ेगा जो कि displacement की direction में है। तो यहाँ पर देखिए work जो होगा force into displacement का इस direction में component, that is x cos theta, या फिर reverse भी कह सकते हैं, displacement into f cos theta, तो भी वही fx cos theta आएगा, तो w बराबर fx cos theta। अब यहाँ पर देखिए हम यह देख सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, x डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला f x cos theta आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है लेकिन स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में आ रही है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, w बराबर f वेक्टर डॉट x वेक्टर, यानी दो सदिश क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज का ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इसी को ओपन करेंगे तो एफ एक्स कोस थीटा आएगा, और ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में देता है। तो इसे थोड़ा और ब्रीफली हम यहाँ पर देख सकते हैं, एफ डायरेक्शन ये है, एक्स की डायरेक्शन ये है, बीच में एंगल थीटा है, तो एफ कोस थीटा अलोंग एक्स होगा, यानी एफ डॉट एक्स हम इसको लिख सकते हैं। तो वर्क से रिलेटेड या फिर मैकेनिकल वर्क से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हमारे बनेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन फॉर लिफ्टिंग 100 केजी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू 2 मीटर हाइट। यानी हमें एक वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क कितना है वो पता करना है, 100 केजी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से 2 मीटर उठाने पर। डायग्राम में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड यहाँ पर एक 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, 100 किलोग्राम का कंपोनेंट पड़ा हुआ, 100 किलोग्राम, इसको हमें 2 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना है, उठाना है 2 मीटर। तो इस दौरान इसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो एनर्जी खर्च होगी, जो मसल पावर या मशीन से अगर उठाते हैं तो जो एनर्जी खर्च होगी वही इसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए कार्य या वर्क कहलाएगा। तो अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला वही होगा, F इंटू एक्स, यहाँ पर देखिए फोर्स और x की डायरेक्शन सेम ही है, वर्टिकल डायरेक्शन है, तो f इंटू एक्स, लेकिन यहाँ पर फोर्स कितना होगा, फोर्स क्या लेंगे, फोर्स यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी स्टेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड अर्थ की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो हम इस फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट इसको उठा रहे हैं, तो हमारे लिए फोर्स उतना ही होगा जितना ग्रेविटी फोर्स होगा। तो F बराबर mg, यानी 100 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, 100 इंटू 10 बराबर 1000 न्यूटन, ये हमारे लिए फोर्स होगा, इस फोर्स के साथ हम इसको लिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे लिए x उतना ही है जितनी हाइट पर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, यानी x बराबर हाइट बराबर 2 मीटर। अब जो वर्क का जो फॉर्मूला आता है वो ये आएगा, W बराबर F डॉट X, यानी F वेक्टर और X वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एफ एक्स कोस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि फोर्स जो होगा, हम ग्रेविटी का अगेंस्ट फोर्स दे रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो W बराबर कोस थीटा, जो 0 आते ही cos थीटा, cos 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, तो fx हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, w बराबर 1000 इंटू 2, 1000 यहाँ पर फोर्स है, 2 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो 2000 न्यूटन मीटर हमारे लिए इसका सॉल्यूशन या वर्क डन इस एक्टिविटी में आएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो इस अरेंजमेंट के लिए दिया गया है, कैलकुलेट द मैकेनिकल वर्क
फॉर गिवन अरेंजमेंट. ये जो एक अरेंजमेंट है, एक कॉम्पोनेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है होरिजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल लेते हुए फोर्स लग रहा है. तो F बराबर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट जो इस ऑब्जेक्ट का हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज x बराबर 5 मीटर. यानी 10 न्यूटन फोर्स लगाया और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहां तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द वर्क फॉर गिवन अरेंजमेंट. 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना फोर्स लगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर गिवन जो डेटा है वो होगा फोर्स जिसके इन्फ्लुएंस में ये मूवमेंट हो रहा है, दैट इज 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पर 5 मीटर हो रहा है. और वर्क डन जो होगा W बराबर F डॉट X. F का मतलब यहाँ पर है फोर्स 10 न्यूटन, X का मतलब 5, और क्योंकि एंगल है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है. F डॉट X बराबर F X cos थीटा. फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, W बराबर F की वैल्यू रखेंगे 10, X की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू कोस थीटा जो यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री. ये हो जाएगा इंटू कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री, 10 इंटू 5 इंटू कोस 30 डिग्री. तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, W बराबर 10 इंटू 5 जो एज इट इज रहेगा, इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. तो फर्दर इसकी वैल्यू आ जाएगी W बराबर 42.95 न्यूटन मीटर. तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे. इसके साथ ही एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी. कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें फोर्स की वैल्यू उस ड्यूरेशन के दौरान फिक्स नहीं होती है, फोर्स की वैल्यू बदलती रहती है. अगर हम प्रीवियसली एग्जांपल अगर देखें, जो भी हमने एग्जांपल लिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू जो है फिक्स रहा इस पूरे मूवमेंट के दौरान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स की वैल्यू 1000 न्यूटन रही. दूसरा एग्जांपल जो हमने देखा उसके अंदर भी फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन इस पूरे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए. लेकिन अगर ऐसा हो कि फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो तो हमें कुछ उसके ऊपर थोड़ा केयरफुल रहना है. यदि फोर्स की वैल्यू चेंज होती है तो हमें डायरेक्टली फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते. तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें उसको इनफाइनेटली स्मॉल यानी डिफरेंशियल फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे, इससे क्लियर होगा. ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर 100 न्यूटन पर मीटर इज एलोंगेटेड बाई 0.1 मीटर. कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द स्प्रिंग एलोंगेशन. यानी एक स्प्रिंग है हमारे पास, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो है 100 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू जो है 100 न्यूटन पर मीटर. इस स्प्रिंग को एलोंगेट खींचा जाता है 0.1 मीटर के साथ, 0.1 मीटर के साथ खींचा जाता है. तो जब ये खींचेंगे तो इस स्प्रिंग फोर्स रिवर्स में जो फोर्स लगाएगी उसके अगेंस्ट में हमें खींचना पड़ेगा. यानी इस डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स के साथ हमें खींचना पड़ेगा. लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम पोजीशन इसकी बढ़ाएंगे, खींचते जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा. तो हमें राइट साइड में जो हम फोर्स लगाए वो लगातार बढ़ाना पड़ेगा. यानी फोर्स फिक्स नहीं होगा, फोर्स लगातार इनिशियल पोजीशन से हम लास्ट यहाँ तक आएंगे इस पोजीशन तक, तब तक लगातार फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी. उसका रीज़न ये है कि स्प्रिंग का जो एलोंगेशन के साथ लगने वाला फोर्स का जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एफ इक्वल टू के एक्स. यहाँ पर एक्स की वैल्यू, ये जो एलोंगेशन है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F proportional to X. यानी जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा. इसका मतलब फोर्स एक इस मूवमेंट इनिशियल मूवमेंट से लेकर के लास्ट मूवमेंट तक फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है, फोर्स लगातार बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट X.
So we will find work for infinitely small displacement and integrate. यानी हम क्या करेंगे, एक x के छोटे से भाग dx के लिए हम x के बिल्कुल छोटे से भाग dx के लिए work small dw work हम निकालेंगे. तो dw will be f dot dx. small dx के लिए f जो होगा वो constant माना जा सकता है, fixed माना जा सकता है. लेकिन इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स फिक्स नहीं माना जा सकता है, सिर्फ एक छोटे से भाग dx के लिए फिक्स माना जा सकता है. तो उस छोटे से भाग के लिए जो वर्क का फॉर्मूला हम लिखेंगे, dw बराबर f to f dx, सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे f dx बराबर, f की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर kx, kx dx फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, यानी इस पूरे डिस्प्लेसमेंट जीरो से लेके x तक. तो w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx इंटीग्रेशन ऑफ kx dx बराबर k बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाय 2. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉइंट वन डिस्प्लेसमेंट तक हुआ, तो लिमिट हम दे देते हैं जीरो से लेकर के 0.1, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 k की वैल्यू रखेंगे 100 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. आगे सोल्व करेंगे इसको, 100 इंटू 0.1 का जो स्क्वायर होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2, तो w बराबर होगा 0.5 न्यूटन मीटर. तो इस तरीके से हम वर्क टन निकालेंगे. तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैकेनिकल वर्क से रिलेटेड. थैंक यू.